कच्चा सौदा का प्रमुख और हत्या के मामले में जेल में कैद गुरमीत राम रहीम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो को गुरमीत राम रहीम का बताया जा रहा है। इसमें गुरमीत राम रहीम पुलिस सुरक्षा के बीच अस्पताल में दिख रहा है। हालांकि ये वीडियो कब का है ये अब तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन सिरसा में यह वीडियो सबसे पहले सामने आया और फिर पूरे हरियाणा में वायरल हो गया है। हम इस वीडियो की किसी भी तरह से पुष्टि नहीं करते हैं। गौरतलब है कि गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में रेप और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। जेल जाने के बाद से यह पहली दफा उनका वीडियो सामने आया है। गुरमीत राम रहीम 24 अक्टूबर को अपनी मां को देखने हॉस्पिटल गए थे। उन्हें एक दिन की पैरोल दी गई थी। राम रहीम को हरियाणा पुलिस की 3 कंपनियों की सुरक्षा में गोपनीय तरीके से जेल से बाहर गुरुग्राम लाया गया था और यहां पर मेदांता अस्पताल में गुरमीत राम रहीम ने अपनी मां से मुलाकात की थी। ऐसे में हो सकता है कि ये वीडियो उसी दिन का हो। आपको बता दें कि साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी पाए जाने के बाद राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल में रखा गया है। जेल जाने के बाद राम रहीम का पहला वीडियो अब सामने आया है। सोशल मीडिया पर राम रहीम का यह वीडियो वायरल हो रहा है जो कि अस्पताल का बताया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच किसी ने यह वीडियो बनाया है जिसमें राम रहीम भारी पुलिस बल के साथ किसी अस्पताल में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो बनाने वाली साइट में राम रहीम ने हाथ जोड़कर प्रणाम भी किया है और उसके बाद अस्पताल के कमरे के अंदर चला गया है। राम रहीम का यह वीडियो किसने कब और क्यों बनाया है इसकी अभी तक जानकारी नहीं मिल रही है। हालांकि अब यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर फैल रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो को देखकर लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Banquets lie hai. Incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.